अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाने वाले आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद आज मेरठ अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत मीडिया से बात नहीं कर पाए। जिस स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वहां ताले लटका दिए गए। आरोप है कि ऐसा योगी सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने किया है। बाहर सड़क पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि किसान आंदोलन भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, योगी जी के अलावा कोई अपने मन की बात नहीं कर सकता। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि रिठानी में युवक के हत्यारे यदि 1 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं हुए तो 2 फरवरी को DM कार्यालय पर धरना देकर वह बैठ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने। अघोषित इमरजेंसी, सर 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 इधर सर, योगी जी जो हैं ये चाहते हैं कि मीडिया से भी वही बात करें, जनता के बीच भी वही जाएं, और जो क्राइम उनके राज में हो रहा है वो पूर्ण रूप से बढ़ता रहे। योगी जी जो हैं लोग बोलने का अधिकार छीनना चाहते हैं। योगी जी को ये नहीं पता कि बाबा जी के मंदिर से नहीं चलेगा ये, भारतीय संविधान से चलेगा देश। और उत्तर प्रदेश में जो अघोषित इमरजेंसी जो है, जो गाजीपुर में यहाँ देखने को मिल रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, तो बताइए सोचने का विषय। अगर मैं अपनी बात ही नहीं कर पाऊंगा मीडिया से तो हमारी बात जाएगी कैसे? देखो, यहाँ मेरठ में जो है ना एक हत्या हुई है और मैं उस परिवार से मिल गया हूँ। 18-20वां दिन है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ठीक है। पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं बार बार सिर्फ और सिर्फ उनको झूठे वादे कर रहे हैं, और 56 फ्रैक्चर थे बच्चे के को, और जान भी चली गई है। अब आरोपियों को पूर्ण रूप से सत्ता का संरक्षण है, मैंने वादा किया है अगर 1 तारीख तक उनके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो 2 तारीख से DM ऑफिस में बैठ जाऊंगा धरना देके, और SSP ऑफिस में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी। न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, गरीबों की लाश से जो है ना, गरीबों की लाशें पड़ी हैं, और जो है सरकार के लोग और ये जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। और ये क्या है, क्या इससे क्या हो जाएगा ये बंद करवा के? यहाँ भी बात हो जाएगी, हम तो सड़क पे खड़े होकर बात कर लेंगे। अब हमें अभी सरकार में नहीं है तो ये सब चीज़ें हमें झेलनी पड़ेगी। कल सरकार आ जाएगी तो फिर बाबा जी कहाँ जाएंगे? समझ रहे हैं लोकतंत्र है ना, मैं तो उनको भी आ जा दूंगा अगर हमारी सरकार आएगी। वो खूब रैलियाँ करें, खूब जब कोई बातें उन पर बात जाकर रखें, ये गलत, ऐसा योगी जी को नहीं करना चाहिए, दुखद। तो मेरठ क्राइम जो है, ये मेरठ जिला जो है ये क्राइम कैपिटल हो गया है, और यहाँ जो है रोज़ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारों की वीडियो वायरल होती है, और प्रशासन के लोग जो हैं वो चैन से सो रहे हैं पढ़ के, और कुर्सी पर बैठे हैं ये सोचते हैं कि जनता उनके पास सवाल लेके जाती है तो धमकाते हैं, डराते हैं। तो ये कहाँ से है ये लोकतंत्र? ये कोई लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र को दोबारा लोकतंत्र बनाने के लिए हम लोग मेरठ में हैं, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी मदद जो आश्वासन प्रशासन दिया वो कब होगी ये जानने के लिए मैं आया था, लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं अभी कप्तान से पूछूंगा कि क्या देश में हमें बोलने, प्रदेश में बोलने की आज़ादी खत्म करवा दी गई है क्या? ऐसा कौन सा जो है इमरजेंसी का दौर आ गया है? इमरजेंसी तो डिक्लेयर भी कर दो, बाकी जनता तय करेगी कि आने वाले कल में क्या होगा। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बुरा हाल है। वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हटाने के लिए कितना जोर लगाया गया, एक मुजफ्फरनगर की पंचायत देखिए एक और हो जाएगी। अगर योगी जी हठधर्मिता नहीं तोड़ेंगे तो एक और पंचायत इस बार मेरठ में होगी। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।